अमित शाह यहाँ कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ उनका कोई बस नहीं चलेगा, कोई बस नहीं चलेगा, यहाँ ममता बनर्जी का सरकार है, यहाँ रहेगा। बंगाल की शेरनी भाई, ममता ममता, हम तो शेरना था, शेर शेरनी जंगल में रहते, अब शहरों में भी आ गए, क्या क्या करेगा, जंगल छोड़ा पड़ गया ना, इसलिए शहरों में आना पड़ा है। अच्छा, शहरों में आना पड़ा, तो क्या मतलब मोदी जी नहीं लगता आएंगे यहाँ? चांस तो कम है, देखो आप लोग लाएंगे तो आप लोग ला सकते हैं, हम लोग तो लाने नहीं चाह रहे। ऐसे ऐसे का प्रधानमंत्री मंत्री होने वाला ममता बनर्जी, अरे वो तो मुख्यमंत्री है भाई, होने वाला आने वाले दिन में प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे बनेगा, पार्टी है नहीं हर जगह, सब होगा दादा, सब होगा दीदी। अच्छा, सिर्फ होगा मोदी मोदी मोदी, लाइव टीवी में मोदी मोदी, वही चाहिए, हर कुछ चाहिए नहीं चाहिए। अच्छा, वो चाहता है कि चैनल में सिर्फ अमीर है, हर कोई का नाम मोदी जी, चर्चा में लाइव लाइट में हमीर है, चर्चा में हमीर, चर्चा का मुद्दा हम ही बने रहे है ना, तो क्या नहीं होगा, सुन लीजिए मोदी जी, मोदी जी है ना, आएंगे मोदी जी, हाँ जरूर आएंगे, आना चाहिए, इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं आप, ये सब हम लोग क्या जानते हैं, दो तरफ से, अच्छा हाथी का एक खाने का एक दिखाने का होता है। अच्छा, तो कौन सा खाने, कौन दिखा रहा, कौन खा रहा है? अब दिखा रहा तो दोनों ही हम पावर में है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई छोड़ने का नहीं है, लेकिन एक चीज जानता है, कोई एक चीज जानता है, मोदी का आगे कोई नहीं। हम इस साल कोरोना वाला, दो दिन बाद कोरोना होने वाला। आपको कहाँ से ब्रेकिंग न्यूज मिला? सब मिलता था, आप लोग से आगे हम लोग है। अभी तो मोदी जी की तरफ से सब है ना, मोदी जी की तरफ से मोदी करिएगा, हाँ घर घर मोदी। बंगाल का मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से कोलकाता हो गया, मैं बीजेपी के सपोर्टर हूँ, तो मुझे लगता है। अच्छा, मोदी जी पसंद है या बीजेपी पसंद है? मोदी जी के सपोर्ट, मोदी जी की वजह से बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। चलिए, न्यूज़ वन नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा, कोलकाता में, और यहाँ से कोलकाता की धरती से, बंगाल की धरती से सफरनामा, बंगाल इलेक्शन का, किसके बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जनता क्या सोचती है, हम पहुँच चुके हैं, ये न्यू मार्केट के पास का इलाका है और यहाँ पर जानेंगे कि जो लोग, देखिए ये पहले एक बार मार्केट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, शाम का वक्त है, शॉपिंग की शुरुआत हो चुकी है, तो हम जानेंगे यहाँ पर, चलिए जानते हैं और उनसे बातें करते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, मोदी, ममता या फिर तीसरा कोई और, तो चलिए बातें करते हैं और जानते हैं कि उनके मन में क्या है। ओके, ये बताओ क्या लगता है एज अ यूथ कि इस बार बंगाल में क्या होने वाला है? I'm not sure about politics, what, okay. Which party gonna win or which gonna lose, but we have some expectation like they should increase the job vacancies and we want some improvement in Kolkata. Like if we see other states, बदलाव देख रहे हो? Yeah, yeah. If we see other states, they are very developed and as a development part, West Bengal is bit. Yeah. वो थोड़ा सा आपको नीचे पैदा है इन पे। तो क्या मतलब क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ऐसा ज्यादा सही कर सकती है? That I can't say anything. Okay, you can't say anything. Yeah. चलो थैंक यू। चलिए तो और भी लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना उनका कि क्या लगता है इस बार बंगाल में इलेक्शन में क्या होने वाला है। हाय भैया, क्या नाम है आपका? लक्खीनाथ सौ। अच्छा, क्या लगता है इस बार बंगाल में क्या होगा, इस इलेक्शन में क्या होने वाला है? ममता बनर्जी का सरकार है, ममता बनर्जी का सरकार रहेगा, सरकार बचा लेगी दीदी, ऑब्वियसली। अमित शाह तो बोले उखाड़ के फेंक देंगे, अमित शाह यहाँ कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ उनका कोई बस नहीं चलेगा, कोई बस नहीं चलेगा, यहाँ ममता बनर्जी का सरकार है और यहाँ रहेगा। तो सरकार है और रहेगा, वो कैसे, लाइक क्यों, मतलब बहुत सारे इतना ओपिनियन पोल में ऐसा दिख रहा है कि नहीं बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। देखिए बीजेपी यहाँ कुछ नहीं कर सकता है, अच्छा ठीक है, हाँ। ये बंगाल है, यहाँ मामा डी मानुस का सरकार है, यहाँ बंगला भाषी लोग रहते हैं, अच्छा हिंदी भाषी का इज्जत मान सम्मान है। अच्छा, और तो क्या लगता है बीजेपी आएगी तो इज्जत मान सम्मान नहीं रहेगा क्या? देखिए आप जाके देखिए और भी अदर स्टेट में जहाँ बीजेपी का सरकार है, बिहार में तो है, बिहार में देखिए वहाँ कितना परेशानी हो रहा है, सम्मान तो है नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ बंगाल में है, बिहार में भी आदमी लोग वहाँ से आना जाना यहाँ करते हैं मार्केट में, अच्छा, लेकिन यहाँ का तुलना वहाँ का तुलना जमीन आसमान का फर्क है, हम लोग का बंगाल में बहुत ही अच्छा तरीके से मामा डी मानुस का सरकार। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी से डर लगता है? नहीं, डर क्यों रहेगा मोदी जी से, डर के वो क्या कर सकते हैं हम लोग को, वही तो क्या आ गए तो बड़ा एकदम कहीं पैक ना कर दें एकदम, पैक क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं, सांस ना ले पाए यहाँ, उनका कोई बस नहीं चलेगा, अच्छा अच्छा, यहाँ ममता बनर्जी का सरकार है, ममता बनर्जी का सरकार रहेगा, अच्छा बस।
मतलब ममता दीदी का सरकार है, ममता दीदी सरकार बचा लेंगी, यही कहना है। बचेगा, बचा लेंगी, मैंने क्या बचेगा। अच्छा बचा, एकदम आप श्योर हैं? हाँ श्योर है, बच ही जाएगा। 200 के ऊपर सीट लेके आएंगे। चलिए, बंगाल के कौन, बंगाल की सैनी भाई? ममता। हम तो सुना था शेर शेरनी जंगल में रहते, अब शहरों में भी आ गए। क्या करेगा, जंगल छोड़ा पड़ गया ना, इसलिए शहरों में आना पड़ा है। अच्छा शहरों में आना पड़ा, तो क्या मतलब मोदी जी नहीं लगता आएंगे यहाँ? चांस तो कम है, देखो मतलब आप लोग लाना लगता चाहेंगे तो आप लोग ला सकते हैं। अच्छा, हम लोग तो लाने नहीं चाह रहे। आप लोग नहीं लाना चाह रहे, तो आपको लगता है कि हम लोग लेके आ जाएंगे? हो सकता है, आप लोग वोट नहीं कीजिएगा। नहीं, हम लोग तो लाना नहीं चाह रहे। अच्छा आप लोग नहीं लाना चाह रहे, क्यों, ऐसा क्यों कि नहीं देखते हैं आप लोग? जैसे ममता दीदी को देखते हैं तो चलिए ठीक है, कोई वजह है, तो बीजेपी मोदी क्यों नहीं? उसका इतना वजह, इतना काम कांड है। अच्छा जैसे कोई चीज में उसका वजह नहीं है, बताइए। हर चीज में सुन रहे हैं, एनआरसी तो ये नोटबंदी, डर लगता है कहीं कागज से खाना पड़ेगा। कागज खाने नहीं पड़ेगा, इतना वजह कम है आदमी को परेशान करने लिए। आप कौन वजह चाहिए उसको? अच्छा अच्छा, फिर डूबेगा, फिर और कोई वजह स्टार्ट करेगा। अच्छा कि फिर से कागज ढूंढना पड़ेगा। टीवी में मोदी मोदी वही चाहिए, हर कोई चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा, वो चाहता है कि चैनल में सिर्फ अमीर है, हर कोई का नाम जिक्र ना हो, मतलब चर्चा में, लाइमलाइट में हमीर है, चर्चा में हमीर, चर्चा का मुद्दा हम ही बने रहे है ना। तो क्या नहीं होगा, सुन लीजिए, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी है ना, आएंगे मोदी जी? हाँ जरूर आएंगे, आना चाहिए। इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं आप, कहा है नहीं बंगाल? अच्छा वो बोले कि ममता दीदी शेरनी है, मोदी जी को शेरनी तो है, लेकिन अच्छा। मोदी जी कम नहीं है। अच्छा इतना ही, आइए ना, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन अच्छा। मोदी जी जो जो वादा करता है वो वादा निभाता है। कि मतलब एनआरसी सीए पेट्रोल डीजल महंगा होता है, असर नहीं पड़ता है? वो तो सब बड़ा बड़ा आदमी का खेल है क्या। अच्छा पेट्रोल डीजल का मार चल रहा है, 100 के पार है। वेस्ट बंगाल भी कम करे। अच्छा स्टेट गवर्नमेंट का भी जो टैक्स है वो भी कम करे। हाँ। तो पहले मोदी जी को करना चाहिए ना, जा पहले इधर से करे, उसके बाद उधर से करे ना, यहाँ से थोड़ी बढ़ रहा है ये सब। हम लोग क्या जानते हैं, दो तरफ से। अच्छा हाथी का एक खाने का एक दिखाने का होता है। अच्छा तो कौन सा खाने, कौन दिखा रहा कौन खा रहा है? अब दिखा रहा तो दोनों ही, दोनों दिखा रहा, हम पावर में है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई छोड़ने का नहीं है, लेकिन एक चीज जानता है, कोई एक चीज जानता है, मोदी का आगे कोई नहीं। अच्छा रुकिए थोड़ा, तनी किधर जा रहे हैं, बतियाने का मौका मिला तो मोदी के आगे कोई नहीं, नहीं। मतलब जबकि यहाँ पे, अच्छा डर नहीं लगा कि यहाँ पे 10 तो टीएमसी बोल रहा है आप, मोदी मोदी आगे बोल रहा था? क्यों डर लगेगा? नहीं डर लगेगा, नहीं लगेगा उनको, जो जिसको सपोर्ट करना करेगा। अच्छा, मोदी जी को सपोर्ट करने का एक वजह बताइए, लोगों को होना चाहिए ना कि मोदी जी ने ये कर दिया, तो एक वजह बताइए, पीछे से कोई कमेंट नहीं करेगा? नहीं नहीं, हम उतना, हम लोग चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा, लेकिन एक वजह बता दीजिए, एक वजह मोदी जी जो बोलता है वो करता है। अच्छा मोदी जी जो बोलता है करता है, ऐसे ऐसे का प्रधानमंत्री है वो? कोई प्रधानमंत्री, हम लोग एक ही प्रधानमंत्री होने वाला, ममता बनर्जी। अरे वो तो मुख्यमंत्री है भाई, होने वाला आने वाला दिन में प्रधानमंत्री बनेगा। कैसे बनेगा, पार्टी है नहीं हर जगह, सब होगा दादा, सब होगा। दीदी दीदी बंगाल संभाल पाएगी? दीदी पूरा संभालेगी। अमित शाह कह रहे सुधार बंगला बनाएंगे। अमित शाह कोरोना वाला, दो दिन बाद कोरोना होने वाला। आपको कहाँ से ब्रेकिंग न्यूज मिला? सब मिलता दादा, आप लोग से आगे हम लोग है ना, आप लोग घर में रहते हैं 24 घंटे, हम लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ आगे कौन बताया कि अमित शाह को कोरोना होने वाला? हम बताया ना। अच्छा हमको कौन बताया? डॉक्टर जी क्या है? अच्छा जब 34 साल हुकूमत सीपीएम को खत्म कर सकती है, बीजेपी का है तो बीजेपी हुकूमत में थी कहाँ भाई बंगाल में? क्या ठीक बात है? हाँ, ठीक है, आपका कहना सही है, ममता आएगी थी बंगाल में यहाँ बीजेपी? नहीं ना, ममता आएगी। देखिए आप लोग सांसद में बीजेपी की 2 सीट थी। हाँ ठीक है, 2016 में, 2014 में, 19 में कितना आई? 18 बढ़ी, 9 गुना। क्या लगता है इधर बढ़ेगी कि नहीं? नहीं आपकी घटेगी। काहे? बस मतलब कोई वजह तो पूरा पश्चिम बंगाल दीदी के साथ है, पूरा पूरा एकदम। जो बीजेपी करता भागेगा बंगाल छोड़ के। अरे आप तो कोई देश छोड़ के भगवाता है, आप बीजेपी बंगाल छोड़ के भगवाइएगा जी। पेड़ा बेच रहे हैं भैया? पेड़ा बेच रहे भैया, कैसे दे रहे हैं? हाँ 10 रुपया है सर, एक पीस। एक पीस सर? एक पीस 10 का एक पीस? हाँ सर जी, महंगा महंगा तो हो गया सर। क्या महंगा, महंगा क्या होगा, समय महंगा किया और कोई महंगा करेगा? आप भी बोल दिए मोदी जी काम बढ़ा है। नहीं नहीं मोदी जी कैसे बोल देंगे। अच्छा क्या लगता है इस बार सरकार में कौन आएगा? अच्छा लगा, इस बार सरकार में कौन आएगा ये तो बता नहीं सकते, तो आने के बाद ही बताएगा अभी। अरे आने के बाद तो सब बता देगा, मगर क्या लगता है आप किसको, किसके तरफ वोट करेगा? क्या लगता है कौन पार्टी पसंद है अभी? आपको? तो अभी तो मोदी जी की तरफ से सब है ना, मोदी जी की तरफ से हर हर मोदी करिएगा। हाँ घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी पहुँचाइएगा। अच्छा तो ये बताइए
मोदी जी पसंद क्यों है, क्यों वोट कीजिएगा मोदी जी को? ममता दी इतना काम की है आपको, यहाँ पे बेचने दे रही है, इसलिए नहीं है ये नारी लड्डू ले नारियल। अच्छा, तो मोदी जी को वोट करेंगे। चलिए सही है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, ये मोदी जी को वोट करेंगे। चलिए आइए, और भी लेडीज हैं उससे। हाय एक्सक्यूज मी मैम, बात करेंगे आप लोग? हम ये पूछ रहे हैं कि बंगाल में इलेक्शन है, इस बार क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आएगी तो बंगाल का ज्यादा फायदा होगा? वैसे चाहिए बंगाल का मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से कोलकाता को क्या चाहिए? मैं बीजेपी के सपोर्टर हूँ तो मुझे लगता है। अच्छा, मोदी जी पसंद है या बीजेपी पसंद है? मोदी जी के सपोर्ट, मोदी जी की वजह से बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लोगों की राय मिली जुली है। ये आपको इलाका जो ग्रैंड ओबराय, होटल ग्रैंड ओबराय के जस्ट पीछे, और ये मेन इलाका है, इसके बस बाजू में न्यू मार्केट है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में ग्रैंड ओबराय होटल है। ये यहाँ पर शाम में शॉपिंग की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। जब हमने जानना चाहा कि क्या लगता है इस बार कौन, मिलीजुली प्रतिक्रिया, ये शहर है समझ लीजिए जहाँ टीएमसी का एक तरफा वोट हुआ करता था, आज लोग बीजेपी का भी नाम लेने वाले हैं। तीसरी पार्टी का नाम तो कोई नहीं ले रहा, अब देखने वाली बात है कि इलेक्शन अभी बहुत करीब है, जब शुरू होगा तो क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा, वो देखने वाली बात है। आप जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।